हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D Max में एक्सेस कंस्ट्रेंट के बारे में। एक्सेस कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये टूल्स जिस तरह से यूज किया जाता है और क्या यूज होता है इसका। ओके, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले तो हम लोग को ये टूल मिलेगा कहाँ से, मिलेगा कहाँ से, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर ये टूल्स है, माउस टूल यहाँ पर है, ये मैग्नेट टूल यहाँ पर है, यहाँ पर रेंडर के टूल्स है, उधर पे ही यहाँ पर माउस को लेके जाना है, माउस के कर्सर को, और राइट क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हो एक्सेस कंस्ट्रेंट्स। ओके, ये आ गया अपना एक्सेस कंस्ट्रेंट्स। अभी इसका यूज क्या होता है, सबसे पहले तो मैं अभी इधर पे आप देख सकते हो लेआउट बनाने में भी काफ़ी आसानी होती है इसमें। एक्सेस कंस्ट्रेंट का यूज़ कैसे होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग को इसके लिए मैग्नेट यानी कि ये जो स्नैपिंग टूल्स है ये ऑन करके रखना पड़ता है। तो सबसे पहले जैसे ये बॉक्स, ये मुझे इधर पे सिमिलर बॉक्सेस हैं, तो सबसे पहले तो क्रिएट करने के लिए मुझे इसको स्नैपिंग में राइट क्लिक करना है और ऑप्शन में जाके मुझे क्या चाहिए वर्टेक्स स्नैपिंग करना है। वर्टेक्स टू वर्टेक्स आराम से स्नैप हो रहा है। ओके, ओके, भाई मुझे को सेम टू सेम इधर पे भी इसको मूव करना, प्रॉपरली यहाँ पर मूव करना है। अभी मैं अगर सपोज ऐसे मूव करता हूँ, देखिए अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये चारों बाजू भाग रहा है। मुझे सिर्फ इसको एक्स एक्सिस पे लेके जाना है या फिर वाई एक्सिस पे ही सिर्फ लेके जाना है, तो ये ऐसे नॉर्मली नहीं जा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, तो उसके लिए सबसे प्रॉपरली सबसे अच्छा आइडिया है कि हम लोग एक्सेस कंस्ट्रेंट का यूज करें। तो इसके अंदर जो एक्स और वाई मैग्नेट है जो इधर पे एबल एक्सेस कंस्ट्रेंट इन द स्नैप टॉगल, इसको ऑन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको प्रॉपर इसलिए फिक्स कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं देखिए, मैं अभी एक एक एक्सेस को अलग से सिलेक्ट कर सकता हूँ स्नैपिंग के लिए। जब मैं इसको बंद कर देता हूँ तो देखिए, मगर इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये सारे के सारे एक्सेस को साथ में ले लेता है। ओके, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हम लोग को प्रॉपरली स्नैपिंग यूज करने में, इसलिए एक्सेस कंस्ट्रेंट इसके अंदर टूल्स दिए हुए हैं। ओके, इसको ऑन कर दिया। देखिए, मैं एक्स एक्सिस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस इधर पे शो कर रहा है, मैं वाई एक्सिस को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वाई एक्सिस शो कर रहा है। अगर मैं पर्सपेक्टिव में जाके जेड एक्सिस पे सिलेक्ट करता हूँ तो जेड एक्सिस यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, और ये एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई जो इधर पे ये छोटे छोटे बॉक्सेस है ये भी एक्सेस है। अगर मैं इसके ये वाले एक्सिस को सिलेक्ट करता हूँ तो एक्स और वाई यानी एक्स और वाई ये दोनों एक्स और वाई मेरे सिलेक्ट हुए हैं। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ओके, तो ये है Y और Z, Y और Z अपने आप ही चेंज हो जाता है। देखिए, इसके अंदर ये सब दिया हुआ है। ओके, और इधर से भी देखिए, हाँ, ओके, अभी ये तो हो गया स्नैपिंग, अब स्नैपिंग तो हो गया फाइनली, तो मगर इसका यूज कैसे, तो देखिए सबसे इजी थिंग हो जाता है, इसके अंदर सबसे इजी काम हो जाता है, तो हम लोग आसानी से मूव कर सकते हैं एक एक्सेस पे आसानी से, कहीं दूसरी जगह ये भागेगा नहीं। अगर इसको बंद कर देते हैं, ये वाई पे भी भागेगा, जी पे भी भागेगा, ये प्रॉपरली स्नैपिंग नहीं हो पाता है। इसके लिए हम लोग को एक्सेस कंस्ट्रेंट्स का यूज करना पड़ता है। ओके, ओके, एक मिनट, मैंने स्नैपिंग ऑन नहीं किया। अभी सबसे इजी और हो जाता है, मेरे को इधर प्रॉपरली इधर पे सेट करना है, मैं ऐसे डायरेक्टली क्लिक करूँ तो स्नैपिंग प्रॉपर कॉपी नहीं होता, मुझे सेम टू सेम यहाँ पर ही इसको कॉपी करना है। तो मेरे पास स्नैपिंग ऑन है, वर्टेक्स स्नैपिंग ऑन है, तो वर्टेक्स टू वर्टेक्स मूव करना है ईजी। मुझे दो कॉपी चाहिए, आगे दो कॉपी, काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे मैं ऊपर की तरफ भी ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ से यहाँ मूव करना है या फिर मुझे ऊपर की तरफ मूव करना है, ऊपर की तरफ मुझे इसको मूव करना है, तो वाई एक्सिस पे सिलेक्ट किया,
या फिर मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और फिर ऐसे मूव करता हूँ, कॉपी हो गया। इसको मॉडिफाई करना है कर सकते हैं, वर्टेक्स को भी सिलेक्ट करने में काफी आसानी हो जाती है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो वर्टेक्स को भी प्रॉपरली नो, ठीक है ऑन कर दिया, आसानी से मैं इसको स्नैप कर सकता हूँ। ओके, ये है एक्सिस कंस्टेंट। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे अगर आपके फ्रेंड को भी ये दिखाना है वीडियो तो उसको शेयर कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।